एंड आप देख रहे हैं अनमोल टेलर। मैं हूँ रमेश बाबू। आज मैं आपको जिप वाली पैकेट लगाने का तरीका बताऊंगा, जो आसानी से लग जाएगा थोड़े टाइम में। तो आपने अच्छी क्वालिटी की जिप ले लेनी है फ्रेंड, तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। फ्रेंड ये मैंने पीस लिया हुआ है, लेंथ में 10 इंच का पीस लिया हुआ है और 8 इंच का ऐसे लिया हुआ है। तो आपको चेक करवाते हैं, ये ऐसे मोड़ लेंगे हम, तीन साइड से, चार साइड से नहीं मोड़ेंगे, तीन साइड से मोड़ेंगे प्रेस से। ये फ्रेंड हमने मोड़ के ये 1.5 इंच पे मैं प्रेस कर लूँगा, और 1.5 इंच ये जो हमने फिर से मार्जिन छोड़ेंगे ऊपर से उसका निशान लगा के, तो 1.5 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे, प्रेस लगा लेंगे, ताकि हमारा जो हम जो पिक लगाएंगे तो वो सीधा आ जाएगा, टेढ़ा नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आएगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे प्रेस से, तो आपको आसानी रहेगी। वो मैंने वहाँ से ऊपर रिप सिलाई से, नीचे वाली सिलाई से मिला के रखा वो निशान, और नीचे से मैं रिप यहाँ से लगाऊंगा फ्रेंड, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कर लिया करें। यहाँ से मैं 4 इंच पे लेने वाला हूँ, तो 4 इंच पे लगाएंगे और इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, ताकि हमारे वो आसानी रहे। तो फ्रेंड हम मशीन पर आ चुके हैं, अभी इसका जो मुँह रखना है वो 6 इंच पर रखने वाले हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से रख लिया करें, और जो हम पैकेट की सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से लगाएंगे, 3 सूत्र या 4 सूत्र की जो मार्जिन हमने छोड़ना होता है वो छोड़ के हम लगाएंगे। तो फ्रेंड ये चेप देख के मेरे को एक शेर याद आ रहा है, तो वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। तो थोड़ी शेर व शायरी भी हो जानी चाहिए कि खाली पेट खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को ज़िंदगी में वो सबक सिखा देता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। तो दोस्तों अभी हम घूम के आ चुके हैं, तो चेक कर लें, ये हमने सिलाइयाँ लगा ली हुई है। फ्रेंड यहाँ पे ध्यान थोड़ा रखना होता है कि बिल्कुल सेंटर में से काटना चाहिए, और यहाँ से कट लगा लें थोड़े थोड़े इस तरीके से। फ्रेंड आप सोच रहे हैं कि एक साइड इसने मोड़ी नहीं है, वो आगे जाके हम आपको चेक करवाएंगे, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। बिल्कुल ये नया स्टाइल से हम लगा रहे हैं, और आसान तरीका है, सफाई से आ जाता है, इसमें प्रेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं आती है, हमने प्रेस नहीं लगाई हुई है, ऐसे ही लगा रहे हैं। तो ये मैं लब पे कंकर की सिलाई लगा रहा हूँ, जो लब पे लगती है, ये इसका जो मुंह बना हुआ है जिप का, यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से लगा लें, फ्रेंड अभी हम जिप लगाएंगे, ये फ्रेम हमारा बन चुका है तकरीबन, जिप लगाएंगे इस तरीके से, तरीका आप चेक कर लें। ये एक पैर की सिलाई हम लगाएंगे यहाँ से, एक पैर की लगानी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो जिप है वो चलने में थोड़ी आसानी हो जाए। फ्रेंड जब भी आप शलवार में पैकेट लगाएं, जिप लगाएं, तो कोशिश किया करें कि अच्छी क्वालिटी की लगाएं, तो वो थोड़ा टाइम चलती है, और अच्छी क्वालिटी अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो आपकी 2-3 माह में ख़राब हो जाती है, और आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है, और आपका जो कस्टमर होता है वो बार बार आपको बोलता रहता है, उस्ताद ये तो हमारी ख़राब हो चुकी है, तो कोशिश किया करें कि अच्छी क्वालिटी के लगा लिया करें, ताकि आपका नाम बना रहे। तो फ्रेंड ये हमने नया स्टाइल ये है कि हम ये बराबर से कपड़ा काट रहे हैं, चेक कर लो, ये कपड़ा हमारा हट गया यहाँ से। अभी हम यहाँ से सफाई करके फाइनल लुक पे चले जाएंगे, तो यहाँ से हम अभी इसकी सिलाई बंद कर लेंगे, कपड़ा हमने पहले से मोड़ा हुआ था।
ये कर लें, तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो सफाई से आ जाएगी बिल्कुल आसानी से, कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, बिल्कुल सीधी आ जाएगी। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी आज हमारी नए स्टाइल वाली, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना फ्रेंड और कमेंट करके बताना। मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए फ्रेंड। तो ये लुक आई हमारी, चेक कर लें, बिल्कुल ओके आ गई है, ये आपको हाथ डाल के चेक करवाते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा फ्रेंड, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त देना, अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।